कि आप भी अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड को रिमूव करना चाहते हैं या आप भी अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में दूसरा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल पूरा ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें। जी हां दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपने फ़ोटो के बैकग्राउंड में कोई दूसरा भी कोई भी इमेज आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीख लेते हैं इसे कैसे कैसे यहाँ पे करना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको इस एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें आपको केवल अपना फ़ोटो अपलोड करना होता है और उसके बाद आपको इरेज उरेज कुछ नहीं करना है, केवल अपना फ़ोटो अपलोड करना है। ये आपका फ़ोटो का बैकग्राउंड खुद रिमूव करके देगा। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को कहाँ से डाउनलोड करना है अभी हम बता देंगे अभी वीडियो के अंत में, तब तक आप देखते रहिए। तो यहाँ से मान लीजिए हम अपना एक इमेज ले लेंगे, जो आप फर्स्ट बार ओपन करेंगे तो इस तरह का आपका ये सभी इमेज यहाँ से शो हो जाएंगे। तो अगर यहाँ से आप इमेज लेना चाहें तो ले सकते हैं और डायरेक्ट कैमरा से भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर हम एक फ़ोटो ले लेते हैं। इस फोटो को लेने के बाद यहाँ पर राइट साइड में कॉर्नर पर तीर का आइकन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे आप तीर पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से और ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आप लाइव प्रूफ देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से हो चुका है। अब आप चाहते हैं इस मतलब फ़ोटो के पीछे दूसरा बैकग्राउंड लगाना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे बैकग्राउंड्स भी देखने को मिल जाते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे। तो चलिए हम जैसे इस बैकग्राउंड को यहाँ पर ले लेते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर लगा देंगे, काफ़ी अच्छे से ये दिखाई भी दे रहा है। तो इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे ये डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे डाउनलोड का आइकन मिलेगा, इस पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो ये आपका बिल्कुल यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कैसे करना है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको यहाँ पर और यहाँ पे डाउनलोड करने से पहले आप भाई छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो यार तो सब्सक्राइब कर लो, वैसे तो आप कर लिए हो के जानते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सर्च कर लेना है बैकग्राउंड इरेज ऑटोमेटिक। ये दोस्तों बैकग्राउंड इरेज ऑटोमेटिक यहाँ पे लिख के आपको सर्च करना है और जो एप्लीकेशन आएगा उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे आप बिल्कुल आसानी से अपने फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।